हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आप मेरी हरी बगिया देख रहे हैं और आज हम जो है मस्टर्ड केक के बारे में बात करेंगे कि हम अपने प्लांट में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो ऐड करते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। फ्रेंड्स, मस्टर्ड का केक जो है वो हाई प्रोटीन फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, बोरान सब कुछ पाया जाता है। ये एक मल्टी विटामिन फर्टिलाइज़र है। आप अपने प्लांट में एक बार जो है मस्टर्ड केक यूज़ करके देखिए फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। और ये जो मेरा गार्डन देख रहे हैं, वेजिटेबल गार्डन, ये पूरा मस्टर्ड केक की बदौलत ही इतना हरा भरा और इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मस्टर्ड केक है और ये ग्राइंड किया हुआ है। इसको मैंने मिक्सी में पीस करके इसको इस तरीके से बारीक कर लिया है। ये सॉलिड फॉर्म में है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मस्टर्ड केक है। आपको ये किसी भी किराने की दुकान पर या जहाँ पर ऑयल मिल होती है, जहाँ पे सरसों का तेल वगैरह निकाला जाता है, वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑनलाइन में मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है। आप कोशिश करिए कि अपने नज़दीकी किराने की शॉप से आप इसको ले आइए। आपको ये बहुत सस्ता अवेलेबल हो जाएगा। ये 25 से 30 रुपए केजी मिल जाएगा आपको नज़दीकी शॉप पे। ऑनलाइन तो ये आपको 100 से ऊपर ही मिलता है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने पास की किराने की दुकान से ले आइए। फ्रेंड्स, ये सॉलिड फॉर्म जो है इसको हम 100 ग्राम लेंगे और इसको 5 लीटर पानी में इसको मिलाकर 3-4 दिन के लिए रख देंगे। 100 ग्राम सॉलिड जो सरसों की खली है, इसको 100 ग्राम खली लेंगे और 5 लीटर पानी में मिला के जब 4 दिन के लिए रख देंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगी। इसकी जितने भी अवगुण हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको बनाया है। इसको मैंने 4 दिन के लिए रख दिया था 5 लीटर पानी में मिलाकर 100 ग्राम मस्टर्ड केक। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में ये बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी ऐड किया है। आप जितनी मात्रा में तैयार किया हुआ मस्टर्ड केक लीजिए, उसका 10 गुना पानी उसमें ऐड करिए। अगर आप 1 ग्लास मस्टर्ड जो है फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो उसमें आप 10 ग्लास पानी ऐड करिए, उसके बाद ही अपने प्लांट्स को दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसको हमने बारीक पीस करके रखा है, आप चाहे तो अपने 18 से 20 इंच के जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं उसमें एक एक टीस्पून आप हर 10 से 12 दिन के बाद ऐड करिए। हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए और उसमें 1 टीस्पून जो है उसमें ऐड करिए। इससे आपके प्लांट्स को जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। और लिक्विड फॉर्म में देते हैं जब हम, तो इसका रिज़ल्ट तुरंत मिलता है आपको। आप लिक्विड फॉर्म में जब मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ऐड करेंगे तो 10 से 12 दिन में ही आपको अपने प्लांट में फ़र्क दिखने शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो अपने प्लांट्स में पहली बार मस्टर्ड केक का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कोशिश करें कि वो पहले मस्टर्ड केक को फॉर्मेट कर लें। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में हमने बना करके रखा है, पहले उसको फॉर्मेट कर लें, उसके बाद जो है अपने प्लांट्स में यूज़ करें। फ्रेंड्स, आपको एक प्लास्टिक ग्लास जो आता है चाय वगैरह के लिए, 100 ml, हर प्लांट में आप 100 ml डालिए। ये फ्रूटिंग प्लांट्स जो होते हैं उसके लिए और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स आज हम बताएंगे आपको कि अपने प्लांट्स में कितना कितना आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को ऐड करिए। ये 100 ml के लगभग जो है ये मेरा पॉट है। इसको अब हम देखिए इस तरीके से, ये मेरा 20 इंच का पॉट है तो इसमें हम 2 कप जो है ऐड करेंगे। इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स में, अगर आपका छोटा पॉट है तो आप उसमें 1 कप ऐड करिए और अगर आपका बड़ा पॉट है तो आप उसमें 2 से 3 कप ऐड कर सकते हैं। ये मेरा 20 से 25 इंच का पॉट है तो इसमें मैं 2-2 कप यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चिली प्लांट के लिए तो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र जो है वरदान है। इसमें आप मस्टर्ड केक ऐसे ही यूज़ करिए, चारों तरफ ऐसे किनारे किनारे डालिए और उसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स।
मैं रेगुलर मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालती हूँ, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, चारों तरफ मेरा हरा भरा गार्डन। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्लांट्स में, सारे प्लांट्स एकदम हेल्दी दिख रहे हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। जब भी आपके प्लांट में जो है फ्लावरिंग होने लगे, तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है ऐड करिए अपने प्लांट में, तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, आपके सारे फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे और एक भी फूल आपका झड़कर गिरेगा नहीं। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है मेरे प्लांट में। मैं रेगुलर हर 10 से 12 दिन में अपने प्लांट में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। आप देखिए कितने अच्छे फल हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छे और हेल्दी फ्रूट्स हैं। देखिए चारों तरफ आपको फल दिखाई देंगे फ्रेंड, उधर देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितने ढेर सारे फ्लावर्स मेरे ब्रिंजल प्लांट पे लगे हैं। देखिए बड्स, देखिए आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है। और मैं इसमें मस्टर्ड केक ही यूज़ करती हूँ, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हर 10 से 12 दिन बाद, हर 10 से 12 दिन बाद 100 ml अपने प्लांट में ऐड करिए और आपका प्लांट देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। देख लीजिए फ्रेंड्स कितने अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है आप ऐड करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग्स होगी फ्रेंड्स। देखिए कितना शाइनी फ्रूट है मेरा, ये देखिए, इसमें मैंने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ करने से आपकी जो प्लांट्स हैं वो भी हेल्दी रहते हैं, प्लस आपकी जो प्लांट्स की सॉयल है उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि सरसों की खली की वजह से सब आपके प्लांट से दूर भाग जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा कैप्सिकम, अभी सीज़न नहीं है कैप्सिकम का, फिर भी देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। देखिए इतनी नन्हे से प्लांट में कितनी ढेर सारे कैप्सिकम्स। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको बस एक छोटे से बैग में लगा रखा है, अभी सीज़न नहीं है इसका, फिर भी देखिए कितनी ढेर सारे फ्रूट्स लगे हुए फ्रेंड्स। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स मस्टर्ड केक का कमाल, कितनी अच्छी फ्रूटिंग्स हो रही है मेरे वेजिटेबल प्लांट में। आप देख सकते हैं हर तरफ फ्रूट्स फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स हर तरफ आपको ग्रीनरी और कोई भी डिजीज़ मेरे प्लांट्स में नहीं दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ढेर सारी भिंडियाँ मेरे टेरेस पे आई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग के लायक हो गए हैं। असल में 2 दिन से मैं अपने टेरेस पे आई नहीं, बारिश हो रही थी, आज मैंने देखा कितनी ढेर सारी वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं और मुझे हार्वेस्ट करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बरसात में कुछ लेडी फिंगर्स के न्यू प्लांट्स ग्रो किए हैं और बहुत जल्दी ये भी फ्रूटिंग करने लगेंगे। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी प्लांट्स हैं और सब मस्टर्ड केक का कमाल है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी समस्याएँ हैं कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।